नमस्कार सुब्रता किचन को आपको बहुत बहुत स्वागत। आज आम पोई पत्र पिठौदिया भजा बनवा जहाँ को आपण मैंने गरम भात ना पखा भात सहित खाईपर ना खाली खाईपर जोटा खाइबाप बहुत ही टेस्ट लगे। तेब आउ डेरी नक चलत भिडटी को देखने फास्ट ये मु अधा कप अरुआ चावल को भलसे धोईकी दुई रु तीन घंटा हम पानी रे भिजे की रखी एवं चावल को आम पानी छाणिकी गोटे छोट ग्राइंडिंग जारे दे दबा। आठ मु चार रु पांच कोला रसुण आ गोटे कंचा लंका नहींद हाफ टी स्पून जीरा दे दबा। आम तीन रु चार चमच पानी देकी आपको पूरा चिकन करके ग्राइंड करनबा। तो यहाँ ये ग्राइंड हो गला एबे आपको मु गोटे मिक्सिंग बॉल को बाहर करनौची। तो देखिपे पूरा चिकन करके बाटी नहीं किसी पोई पत्र को भलसे धोईकी से पानी छाड़ी गला लंबा पतला काटि नहीं पोई पत्र को काटि ने गोटे मीडियम साइज़ रो प्याज को पूरा लंबा पतला काटि नहीं दूसरी भल फ्लेवर आसपापी ए दुई बड़ चामच बेसन दौची आ स्वाद अनुसार लुण देद हाफ टी स्पून हलदी गुंड आल कलर आसपापी मु हाफ टी स्पून काश्मीरी लंका गुंड दौची एवं सबको आम भल भाव मिक्स करनवा। तो ये आपड़ कनसीस्टेन्सी देखिपे जमी आम पकुड़ी बन था से भाया ही आपको रखिए। एबे आमे गोटे तावा को गरम करी से गोटे बड़ चामच सोरस तेल देद तेल भलसे गरम है जो आम बैटर बन के रखी थे एमती देखु एमती छोट छोट बरा सेप्र आपदे आपड़ गैस फ्लेम को मीडियम रे ही रखि थे ना सब पोड़ जबार चान्स थाए। गोटेपट सैड कि समय कुकलापर आम आपको आरपट सैड को ओल्ट नवा आ दुई पटर भलसे लाइट गोल्डन कलर आसवा जाए आपको आम भाजी नवा आरकार सोरस तेल आईपारे जदि सोरस तेल खाऊन तेज रिफाइन तेल भजा को बन पारे। तो ये पिठौदिया भजा आपन को गोटे ब्याच करने पखापाखि छ रु सात मिनिट लग जाक भलसे फ्राए करेंगे। तो ये देखिपे ये आमर पोई पत्र पिठौदिया भजा पूरा रेडीगला एटा खाइबा बहुत ही टेस्ट लगे। तो आपण घरे थरे आपको निश्चिंत बनातु आपण को केमती लगला आपण एक्सपीरियंस कमेंट माध्यम जनातु। तो पुणी देखा गोटे नुआ वीडियो रे। थैंक यू।